नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। मंडी में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। कनाडा से लौटी महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हिमाचल में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। आपको बता दें कि महिला जो है वो कनाडा से लौटी थी, और जब यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग भारत में किया गया उसके सैंपल का, तो वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकली, जिसका फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इलाज जारी है। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश भी अब उन राज्यों में आ चुका है जिसमें ओमिक्रॉन के केसेस मिलने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ये पहला केस मिला है, और जो महिला है जो ओमिक्रॉन संक्रमित है वो कनाडा से लौटी थी। जब भारत में आकर उसका सैंपल लिया गया तो वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। और पहला मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी में पाया गया है, जहां पर एक महिला कनाडा से लौटी थी, और जब भारत आकर उसके सैंपल लिए गए तो इस जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान यह पता चला कि जो महिला है वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है। बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दिया है। हिमाचल प्रदेश भी उस राज्य के कड़ी में जुड़ चुका है जिसमें ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है, और ओमिक्रॉन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का केस मिला था, और भारत में भी ये बढ़ने लगा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिमाचल से उमेश जुड़ चुके हैं। उमेश, किस तरह से ये महिला ओमिक्रॉन संक्रमित पाई गई है, क्योंकि हिमाचल के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि पहला जो ओमिक्रॉन का मामला है वो हिमाचल प्रदेश में पाया गया। हाँ जी, बिल्कुल। ये महिला कनाडा से लौटी बताई जा रही है। कुछ दिन पहले ही ये कनाडा से लौटी थी, ये कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद इनके सैंपल लिए गए थे, जीनोम सीक्वेंसिंग में अब रिपोर्ट आई है कि ये महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए भी बड़ी बात है कि जहाँ हिमाचल प्रदेश में हमने दोनों वैक्सीन का जो टीकाकरण का अभियान है पहले नंबर पे देश ने हासिल किया था, उसके बाद माना ये जा रहा था कि तमाम जो लोग हैं, आबादी है, वो कम से कम जो अब कोरोना संक्रमण है उसके खतरे से बाहर है। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं उसको पहले से ये खतरा बताया जा रहा था, लोग उसको लेके भी आशंकित थे और सरकार भी इसको लेके काफी मुस्तैद थी। लेकिन इस बीच में जो लोग बाहर से विदेशों से खासकर लौटे हैं उनके आने को लेकर पहले ही संदेह जताया गया था, और जो चार लोग पीछे विदेश से लौटे थे उनके सैंपल भी भेजे गए थे। हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन ये जो महिला है इनको बताया जा रहा है कनाडा से लौटी थी, और जब से आई है तब से ही आइसोलेशन में इनको रखा गया था। लेकिन अभी आज पुष्टि हुई है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिन है कल, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है, और मंडी जिले में नरेंद्र मोदी ने आना है, मंडी में आना है, और वहीं इन महिला का ये ओमिक्रॉन संक्रमित पाया जाना एक बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश लंबे अरसे से यही माना जा रहा था कि एक राज्य है जो बचा हुआ है ओमिक्रॉन से, लेकिन लगातार सरकार भी कोशिश कर रही थी जो बाहर से लोग आए उन पर निगरानी रखी जाए। लेकिन ये जो महिला है इनके अब पॉजिटिव आने से हिमाचल प्रदेश में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। हालांकि सरकार कह रही है कि इसको लेकर तमाम तरह के जो इंतजाम किए गए हैं, जो लोग हैं पहले जो बाहर से आए हैं उनको पहले से आइसोलेशन में रखा गया और उन पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हिमाचल प्रदेश की मंडी में बड़ी मात्रा में, लगभग 1 लाख के आसपास लोगों की भीड़ जुटने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात हिमाचल प्रदेश के लिए कही जा सकती है। हालांकि प्रशासन काफी मुस्तैद है, जो भी लोग बाहर से आए हैं उन पर नजर रखी जा रही है, और जो आइसोलेशन में लोग रखे गए हैं उनकी भी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में भी ये संक्रमण आ गया है, इसको लेके अब और सरकार को फूंक फूंक के कदम रखना होगा, क्योंकि पहले से जो आबादी है वो तो लगभग जिस तरह से जी उमेश जी जी